सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ लाइब्रेरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, या आप कह सकते हो पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग उन्हें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पाइथन की फाइल्स के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि इस चैनल के ऊपर मैं यहाँ सिर्फ बोल बच्चा नहीं करता, बल्कि आप लोग को प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी देता हूँ। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पाइथन के ट्यूटोरियल्स को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बता दूँ कि एक्चुअली लाइब्रेरीज़ होती क्या है, बिकॉज हम लोग यहाँ लाइब्रेरीज तो क्रिएट कर लेंगे, बट अगर आपको यही नहीं पता होगा कि लाइब्रेरीज या पैकेजेस जिन्हें हम कहते हैं वो होते क्या है, तो आप लोगों को कुछ मतलब नहीं निकलेगा उसे क्रिएट भी कर लोगे। तो बेसिकली लाइब्रेरीज जो होती हैं वो होती है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। आप जब भी किसी मॉड्यूल को किसी एक फोल्डर के अंदर कलेक्ट करके रखते हो, तो आपने उस फोल्डर को एक लाइब्रेरी बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बनाया नहीं है, वो आप लोगों को क्रिएट करना पड़ता है। कैसे क्रिएट करते हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना बिल्कुल भी, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, तो आप या तो VS कोड का यूज़ करके एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट आप में से काफ़ी सारे लोगों का शायद VS कोड नहीं होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ VS कोड का। मैं आप लोगों को डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर जाने वाला हूँ, ये पाइथन ट्यूट नाम का जो फोल्डर है इसी के अंदर मेरी सारी पाइथन की फाइल्स हैं, ये वाली जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखती है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी क्रिएट करूँगा। कैसे लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, या पैकेज जिसे हम कहते हैं, हम पैकेज को कैसे क्रिएट करते हैं, और लाइब्रेरी और पैकेज एक दूसरे का सिनोनिम है, हिंदी में बोलूँ तो पर्यायवाची है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई लाइब्रेरी बोले कोई पैकेज बोले, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब एक ही निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, एक न्यू फोल्डर मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा, ठीक है। न्यू फोल्डर को मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, और इसका नाम मैं यहाँ रखने वाला हूँ पाइथन अंडरस्कोर TUTORIAL ट्यूटोरियल, पाइथन ट्यूटोरियल नाम का मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स को रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है। अगर आप किसी भी बुक्स की लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ बुक्स होती हैं, ठीक है। ये हमारी पाइथन की लाइब्रेरी, तो इसमें पाइथन के मॉड्यूल्स होने चाहिए, तो मैं ये वाली जो मेरी पाइथन की फाइल है एरिया अंडरस्कोर फिग, इसको मैं यहाँ इसके अंदर डाल रहा हूँ। इस फाइल को मैंने यहाँ डाल दिया है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ पे इसे लाइब्रेरी क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, और न्यू फाइल का मैं यहाँ क्या नाम रख सकता हूँ, मुझे यहाँ पे नाम रखना पड़ेगा डबल अंडरस्कोर, ठीक है। याद रखना यहाँ डबल अंडरस्कोर है, उसके बाद फिर INIT, उसके बाद फिर वापस से दो अंडरस्कोर हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ दो दो अंडरस्कोर हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद फिर डॉट करके हम लोग यहाँ लिखेंगे PY, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर लिखनी होगी। ये अगर मैं कर दूंगा तो ये हमें कुछ ऐसी वार्निंग देगा, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं, आप बस यस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी लाइब्रेरी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे डबल अंडरस्कोर है ना, वापस से बता रहा हूँ, ये डबल अंडरस्कोर है दोनों तरफ आगे और पीछे, टोटल चार अंडरस्कोर्स हैं इसमें। अगर यहाँ गड़बड़ कर दी, मतलब कि सारा यहीं पर आपका काम तमाम हो गया, यहीं पर आपकी सारी मेहनत पानी में चली गई, इस बात को ध्यान रखना, काफ़ी सारे लोग ये गलती कर देते हैं। और अब हमें क्या करना होगा, हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। आप इसे एम्प्टी छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको। हमको क्या करना, अब हमें क्या करना है, हमें वापस हमारे VS कोड की तरफ जाना है। VS कोड में हम जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को यहाँ पर हमें ओपन करना पड़ेगा। अगर हमें उस फोल्डर को ओपन करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने हमें वो फोल्डर दिखा दिया है। अगर आप चाहो तो यही चीज़ इस न्यू फोल्डर के आइकन पर क्लिक करके भी कर सकते हो, बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं यार, जो भी टेक्स्ट एडिटर या IDE है आपके पास, आप उसका यूज़ करो, कोई इशू नहीं। तो आप हमारे पास यहाँ पे आ गए, क्विक एक्सेस के लिए हमारे पास यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इसे यहाँ पे कॉल करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इस फोल्डर में नहीं करूँगा मैं, हमारा जो मेन फोल्डर है, हमारा जो रूट का फोल्डर है, उसमें हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ नाम रख रहा हूँ TUT23.py मैं यहाँ नाम रखूँगा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इस फाइल को, इस फोल्डर को यहाँ पे एक्सेस करूँगा। अब बट ये हमारा फोल्डर नहीं बचा, ये पैकेज बोल सकते हैं आप उसको, या लाइब्रेरी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे एक इनिट फाइल है। जब भी एक इनिट फाइल आ जाती है, मतलब समझ लो वो एक लाइब्रेरी या पैकेज बन गया। वैसे तो पाइथन ने काफ़ी सारे आपके लिए लाइब्रेरीज बना रखी है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा फ्लास्क है हमारे पास, ठीक है। उसकी तरह हमारे पास स्टिक इंटर है, हमारे पास नमपाई है, साईपाई है, ऐसी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हमारे पास प्री जनरेटेड हैं पाइथन की ओर से। और अगर हम मॉड्यूल्स की बात करें तो मॉड्यूल्स अलग चीज़ होती हैं, लाइब्रेरीज अलग चीज़ होती है, ठीक है। मॉड्यूल्स हमारे पास जैसे कि आप बोल सकते हो रैंडम है, ठीक है, मैथ है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं, और ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आते हैं, इसलिए हमें उनकी लाइब्रेरीज को यहाँ पर एक्सेस नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हम मॉड्यूल्स को कॉल कर लेते हैं। और अगर अब हमें यहाँ पर इस लाइब्रेरी को कॉल करना है तो एक चीज़ याद रखनी होगी आपको, जिस जगह पर आप ये क्रिएट कर रहे हो ना, उसी जगह पर आपका फोल्डर होना चाहिए या लाइब्रेरी होनी चाहिए,
ठीक है, एक ही डायरेक्टरी में होना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ इसे क्रिएट कर लिया। अब अगर मुझे यहाँ ऐसे एक्सेस करना है तो जिस तरीके से हमने अपने पिछले वीडियो में मॉड्यूल्स को एक्सेस किया था, उस तरीके से हम लोग यहाँ लाइब्रेरी को एक्सेस करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, जो क्या रहेगा मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा सबसे पहले तो फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद मैं यहाँ लिखूँगा नाम हमारी लाइब्रेरी का, जो कि है पाइथन अंडर स्कोर ट्यूटोरियल। ये मैंने इसका नाम लिख दिया, फ्रॉम पाइथन अंडर स्कोर ट्यूटोरियल इम्पोर्ट। इम्पोर्ट किस चीज़ को करना है हमें, यहाँ पे इम्पोर्ट करना है हमारे एरिया अंडर स्कोर एफ आई जी। अब आप देख सकते हो उसने हमें यहाँ पे ऑलरेडी सजेशन दे दिया है, बट हमारा यहाँ पे अपर केस में है इसलिए मैं इसे पूरा लिखूँगा एरिया अंडर स्कोर एफ आई जी। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ इसे इम्पोर्ट कर लिया, और मैं इसका एलियास भी यहाँ क्रिएट कर देता हूँ ए एफ लिख के। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि एलियास कैसे क्रिएट करते हैं तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें से हमारा जो एरिया का फंक्शन है एरिया और स्क्वायर, उससे मुझे एक्सेस करना है, तो मैं उसे एक्सेस करूँगा इसमें से ए एफ डॉट, मैं यहाँ पे लिखूँगा एस क्यू आर, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे 10 पास कर रहा हूँ। जैसे मैं इसे पास करके रन करूँगा तो आप देख सकते हो इसने यहाँ पे हमें आउटपुट दे दिया है, जो कि हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर या एंड, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फाइल थी ये एरिया वाली, इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने पिछली वीडियो में ये लिख दिया था प्रिंट एंड। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, और आप देख सकते हो इसने हमें यहाँ पे इसका एरिया और पैरामीटर दोनों दे दिया है। सेम उसी तरीके से अगर आप लोग चाहो कि आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, ठीक है, हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और ज़्यादा शॉर्टकट में, जैसे कि अभी तो हम लोगों ने इसे एलियास क्रिएट करते हैं, बट अगर मैं इसमें यहाँ पर लिख दूँ डॉट करके एरिया अंडर स्कोर फिक, अभी एरिया अंडर स्कोर फिक भी यहाँ पे आप लोग केस सेंसिटिव है तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, या तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि आप सब कुछ लोअर केस में ही लिखिए। मैंने यह गलती कर दी है बट आप लोग मत कीजिएगा। ये चीज़ मैंने इस तरह से लिख दी। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट, और जो भी आपको इम्पोर्ट करना है आप उसे लिख दीजिए, या फिर अगर आपको सब कुछ इम्पोर्ट करना है तो आप यहाँ एस्ट्रिक लिख दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ एस्ट्रिक लिख दिया, और मैंने यहाँ एस क्यू आर लिख दिया, और एस क्यू आर के अंदर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 40, और करूँगा इसको रन, तो आप देख सकते हो इसने हमें इसका एरिया और पैरामीटर दोनों रिटर्न करके दे दिया। तो ये सिंपल से काम होता है हमारे लाइब्रेरीज का, जो कि हम लोगों ने आज इस वीडियो के अंदर क्रिएट कर लिया। काफ़ी सारे लोग आप लोगों को बहुत लंबा प्रोसीजर बताएंगे इसका, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे मत क्रिएट करो ऑलरेडी क्रिएटेड आती। तो यार अगर आप लोग सब कुछ सीख ही रहे हो तो एक छोटी सी चीज़ सीख लेने में और क्या जाता है आपका, है मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि हर एक चीज़ जो भी आप लोगों को लगे कि यार छोटी सी छोटी अगर आप सीख सकते हो कम टाइम में तो आप सीख लो। ठीक है, और ये बेसिक चीज़ है एकदम, मैं कोई आपको एडवांस लेवल में नहीं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं यार लाइब्रेरीज क्रिएट करना, पैकेजेस क्रिएट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम क्या करेंगे उसका। बट आप कभी भी एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें आप लोग को ये सारी चीज़ें काम में आती हैं। ठीक है, और अगर आप कोई मैटप्लॉटलिब या किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो कभी, तो आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि आप एक लाइब्रेरी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। टिकिंटर से अगर आप कोई जी यू आई एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको यही नहीं मालूम कि अगर टिकिंटर है क्या, हम उसे कैसे एक्सेस करें, तो फिर क्या फ़ायदा आप लोगों को इतना भी प्रोग्रामिंग सीखने का। इसलिए मैं कहता हूँ हर एक चीज़ को बारीकी से ध्यान से समझिए, सीखिए। बस तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।